स्टाइल हमारी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है और साथ ही ये हमें अट्रैक्टिव और स्टाइलिश लुक देता है। तो ऐसे स्टाइलिश लुक के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे हेयर स्टाइल करना है। उससे पहले आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्लर ऑफ द वर्ल्ड में। और यहाँ हमने कर रखी है क्रिम्पिंग। अगर आप ढंग से देखोगे तो यहाँ पर मैंने काफ़ी हैवी क्रिम्पिंग की है। अगर आपको क्रिम्पिंग वाले हेयर अच्छे लगते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ हेयर स्टाइल कैसे करना है। क्रिम्पिंग करने का बेनिफिट ये होता है कि इससे आपको वॉल्यूम अच्छा मिल जाता है और जब आप हेयर स्टाइल बनाओगे तो उससे काफी बाउंसी से हेयर नजर आएंगे। सबसे पहले तो सेक्शन डिवाइड कर लीजिए और उसके बाद आपके जितने भी बैक वाले हेयर हैं उनको बनानी है पौनी। और हम यहाँ पे इसको पहले अच्छे से कॉम करेंगे ताकि इसमें फिनिशिंग नज़र आए। और अगर आप ढंग से देखोगे स्क्रीन पे तो यहाँ पे बालों में वॉल्यूम कितना अच्छा मिल गया, कितना अच्छा टेक्स्चर मिल चुका है यहाँ पे। तो इसको अब हम रबर से क्लिप कर देंगे, अच्छे से आपको पोनीटेल बना देनी है। क्रिम्पिंग करने का बेनिफिट ये होता है कि इससे वॉल्यूम मिलता है, साथ ही टेक्स्चर और लेयर देता है और बालों को स्टाइलिश और फैशनेबल बनाता है। तो बालों को लॉन्ग लास्टिंग और होल्ड भी देता है। और जब आप देखोगे कि इससे बाल डैमेज भी बहुत कम होते हैं। हालांकि आप बार बार इसका यूज़ करोगे क्रिम्पिंग का तो डेफिनेटली डैमेज होंगे, लेकिन आप चाहें अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको डेली बेसिस पर पार्टी में जाना पड़ता है या फिर ऐसा कोई काम है जिससे आपको बालों में रोज की रोज आपको मशीन का यूज़ करना पड़ रहा है, तो आप 15 डेज में हफ्ते में हेयर स्पा वगैरह ले सकते हो। इससे आपके जो हेयर है वो स्मूथ हो जाएंगे। इसी के साथ मैं आपको प्रॉपर बता भी रही हूँ कि किस तरह से आपको हेयर स्टाइल बनाना है। और यहाँ पे देख लीजिए मैंने यहाँ पे सेक्शन डिवाइड किए हैं, लेयर निकाली है, आपको एकदम फिनिशिंग के साथ निकालनी है और फ्रंट वाले जो हेयर है उनको क्लिप कर देना। और इस तरह से आपको पूरे हेयर बैक में लेके आना है जैसे कि मैंने किया है। और आपको हल्का सा ट्विस्ट देना है, सेंटर से एक लेयर लेनी है, उसको हल्का सा ट्विस्ट देके आपको जूड़ा पिन की मदद से इसको हल्का सा टक कर देना है। ये हमारा एक सपोर्ट हो जाएगा और हमें इसको बॉब पिन की मदद से क्लिप करना होगा बाद में। बट मैं यहाँ पे आपको इजीली बता रही हूँ कि किस तरह से आपको यहाँ पे ये ट्विस्ट बनाने होते हैं और किस तरह से इसको फिक्स करना होता है। तो अभी हमारा जो काम है वो लेयर उठानी है और हल्का सा उसको ट्विस्ट करना है और इस तरह से बॉब पिन की मदद से आपको इसको टक कर देना है। देखो गाइज, यहाँ पे ये आपका एक फ्रेंच वाला कह लो या फिर एक स्टाइलिश कह लो, ये एक पफ बन के आ जाएगा जो कि विदाउट स्टफिंग है। और यहाँ पे मैं आपको बिना स्टफिंग के हेयर स्टाइल बता रही हूँ जिसमें किसी भी टाइप का आपको स्टफिंग वगैरह का यूज़ नहीं करना है। और ये हेयर स्टाइल आपके करवा चौथ पे काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर आपको लगता है कि आपके पास स्टफिंग वगैरह नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिम्पिंग ही करो। अगर आपके पास क्रिम्पिंग नहीं है तो आप बालों को हल्का सा कॉम कीजिए और बालों को थोड़ा सा ड्राई करना है, उसके बाद ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छे से बन के आएगा। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है तो प्रैक्टिस कीजिएगा और इस तरह से आपको बॉब पिन की मदद से इसको क्लिप कर देना है। क्लिप करने के बाद देखो मैंने लेयर को किस तरह से हल्का हल्का सा उठाया है ताकि ये फ्रंट से हमारा पफ नज़र आए और पीछे से भी ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। मैं आपको साइड से करके दिखाती हूँ। अब हमारे जो फ्रंट वाले लेयर है ना जिनको हमने क्लिप किया था उसमें से हम सेक्शन डिवाइड करेंगे। सेक्शन किस तरह से करेंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए। और अगर आपको साइड लेयर या फिर साइड डिज़ाइन नहीं अच्छा लगता तो आप सेंटर का भी लगा सकते हो या फिर कह लो अगर आपको टीका वगैरह लगाना है तो वो भी आप अच्छे से कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पे इनकी जो लेयर ली है वो साइड से ली है, तो इस तरह से लेयर लेनी है। और उसमें से मैं आपको थोड़ा साइड करके दिखाती हूँ, इसमें से आपको एक लेयर उठानी है, हल्का सा ट्विस्ट करना है, उसको हल्का सा फोल्ड करना है और इस तरह से आपको पीछे की साइड ले जाना है। आप ढंग से ध्यान से देखिए, अगर आपको वीडियो समझ नहीं आ रही है तो दोबारा से देखना। और यहाँ पे देखो अब मैं थोड़ा सा साइड करके दिखाती हूँ कि इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी फिनिशिंग आएगी, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक आ रहा है। और ये आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हो, डेली बेसिस पे भी ये हेयर स्टाइल बहुत सुंदर लगता है। जूड़ा मत बनाइएगा लेकिन फ्रंट से ये हेयर स्टाइल कर सकते हो। देखो साइड से अगर आप देखोगे तो साइड से ये कितना ज़्यादा फिनिश नज़र आ रहा है, जबकि अभी हमने इस पे किसी भी टाइप का स्प्रे वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से किया है और यहाँ पे अब हम क्लिप कर देंगे, बॉब पिन की मदद से करेंगे। आप अगर चाहो जूड़ा पिन भी लगा सकते हो, लेकिन सबसे पहले बॉब पिन लगाना है, बहुत अच्छे से लगानी है ताकि आपका हेयर स्टाइल खुलना नहीं चाहिए। आप चाहे डांस करो या फिर कोई भी फंक्शन अटेंड करो, आपका हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए, इस तरह से पिन लगी होनी
होनी चाहिए कि आपके हेयर स्टाइल में कोई दिक्कत नहीं आए। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने बैक साइड से कर दिया। अब हमारे जो फ्रंट लेयर है ना, इसको एक और लेयर कर लेते हैं और इसी तरह से हम हल्का सा ट्विस्ट करते हुए इसको भी हम पीछे की साइड पिनअप करेंगे। किस तरह से करेंगे वो आप देख लो। सबसे पहले इसको लेयर को हमें निकालना है और उसको अच्छे से कॉम करना है। कॉम करने के बाद हमें इस तरह से लेयर बाय लेयर करना है और उसको हल्का हल्का सा ट्विस्ट करते हुए चलना है। ट्विस्ट इस तरह से करते हुए चलेंगे और बैक साइड में हम इसको पिनअप कर देंगे। तो पिनअप किस तरह से करना है वो देख लीजिए। अगर आपको फ्रंट से कर्ल्स अच्छे लगते हैं तो आप अपने ईयर के पास से लेयर निकाल सकते हो और उसके बाद इसे कर्ल्स कर सकते हो। तो यहाँ पे अब हमारी लेयर भी निकाल दी है और इसी के साथ हम साइड वाला हेयर स्टाइल भी कर लेते हैं। साइड से हमने राइट साइड तो कर दिया, अब लेफ्ट साइड भी देखेंगे। और यहाँ पे मैं स्प्रे कर दे रही हूँ इसको फिक्स करने के लिए। ये हेयर स्टाइल मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप करवा चौथ पे परेशान ना हो और आप अपना खुद का हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छे से बना सको। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इसको फिनिशिंग लुक देने के लिए हमने लेयर को हल्का सा स्प्रे डाला है। स्प्रे के बाद इस तरह से फिनिश किया है ताकि इसमें डिज़ाइन बन के आए। अब देखो ये जो हमारे साइड वाली लेयर है ना, ये इस तरह से निकल के आएगी। इसको भी इस तरह से हमें ट्विस्ट करना है और लेयर बाई लेयर निकालनी है, इसको कॉम करना और पीछे की साइड इस तरह से पिनअप कर देना है। आप यहाँ पे चाहो तो जूड़ा पिन भी लगा सकते हो, बॉब पिन भी लगा सकते हो, बट मैंने यहाँ पे जूड़ा पिन का यूज़ किया। आप देख लो किस तरह से करना है। और इनके जो हेयर है उनमें वॉल्यूम काफ़ी अच्छा हो गया है, तो इसलिए हमारा जो हेयर स्टाइल है वो भी काफ़ी गजब का लुक बन के आएगा। यहाँ पे देख लो, अब हमारे जो फ्रंट वाले हेयर बचे हैं इसको भी हम इसी तरह से लेयर को कॉम करेंगे और फिर इसको ट्विस्ट कर देंगे। तो इस तरह से आपको करना है। और ये अगर आप चाहते हो कर्ल्स करना फ्रंट से, तो आप लेयर को थोड़ा सा निकाल दीजिए, तो इससे आप इसको कर्ल्स भी कर दोगे और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो यहाँ तक तो हमारे फ्रंट वाला हेयर स्टाइल तो कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है हमारे बैक हेयर स्टाइल की। आप इसमें चाहो तो गजरा भी लगा सकते हो, आप चाहो तो गुलाब की पंखुड़ियाँ भी ले सकते हो। मैं इसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगी कि गजरे के साथ और गुलाब की पंखुड़ियों के साथ कैसे हेयर स्टाइल बनाया जाता है। अब चलिए पीछे बात कर लेते हैं कि हमें अब हेयर स्टाइल बनाना कैसे है। आपको कुछ नहीं करना, इतना ईजी हेयर स्टाइल आपने कहीं नहीं देखा होगा। कुछ नहीं करना, आपको एक लेयर उठाने, उसको हल्का सा फोल्ड करना और इस तरह से आपको उसको जूड़े पिन की मदद से इसको क्लिप कर देना है। तो जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही आपको करना है। इस तरह से आपने फिक्स किया, आपने पहले उसको फोल्ड किया हल्का सा, फिर उसको इस तरह से क्लिप कर देना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से उसको क्लिप किया और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लुक बन के आएगा। देखो कितना ज़्यादा प्रीटी लग रहा है ये और काफ़ी अच्छा लगेगा। अभी आप कहीं मत जाना, पहले पूरा हेयर स्टाइल देख लीजिए कि किस तरह से लुक देना है। और इनके हेयर काफ़ी देखो कितने ज़्यादा हैवी लग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा। अगर आपके हल्के हेयर है ना तो क्रिम्पिंग आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, इसलिए आप क्रिम्पिंग जरूर कीजिएगा। क्रिम्पिंग आपको बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं मिलेगी। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके बाय कर लेना। तो आपको इस तरह से लेयर को फोल्ड करना है और जूड़े पिन की मदद से आपको क्लिप कर देना है। देखो कितना ज़्यादा प्रीटी लुक है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। और इस हेयर स्टाइल में आप डेकोरेशन भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से डेकोरेशन कर सकते हो। और ये जो लेयर बच रही है ना, इसको भी आप इस तरह से पिनअप कर दीजिए। मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से करना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपका जो जूड़ा है वो टेढ़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको लेयर ठीक से टक करनी है। अगर आप ठीक से नहीं लगाओगे तो हो सकता है जूड़ा कहीं से टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और मैंने देखो यहाँ से हल्का सा इसको फोल्ड किया है और इसके बाद इसको पिन कर दिया है। तो यहाँ पे जूड़ा पिन थोड़ा सा रखना, आप दो तीन डब्बियाँ इसमें जूड़ा पिन लग जाएंगे। और बाल अगर आपके लॉन्ग है, काफ़ी हैवी बाल है, ग्रोथ अच्छी है, तो इट्स मीन आपकी चार पांच डब्बियाँ लग जाएंगी जूड़े पिन की, तो उसी हिसाब से इसके प्राइस भी होते हैं। बट ये हेयर स्टाइल आप घर पे भी बहुत अच्छे से कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और देखो कितना प्यारा लुक आएगा, ये आप बहुत आसानी से बना सकते हो। इस हेयर स्टाइल को करने में किसी भी टाइप की परेशानी नहीं आएगी, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं है। मतलब आपको ऐसा नहीं करना है कि यार इसमें ये लगाओ वो लगाओ, ऐसा नहीं है। जस्ट आपको लेयर पकड़नी है, उसको हल्का सा घुमाना और इस तरह से टक देना, जो कि बहुत ही इजी हेयर स्टाइल है। दोस्तों अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर यहाँ तक आ गए हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और सपोर्ट किया करो यार, जब आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं आपके लिए वीडियोस कैसे लेके आऊंगी। और काफी टाइम से पता नहीं क्या हो रहा है, आप लोग लाइक भी नहीं करते हो और सारे सब्सक्राइबर जो है वो अनसब्सक्राइब करते जा रहे हैं। तो गाइस दिक्कत क्या आ रही है मुझे कॉमेंट करके जरूर बता दिया कीजिए। अगर आप
आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट कर दिया कीजिए, ताकि मैं उस पर वर्क कर सकूँ। यार आप बताओ, तो इस तरह से हमें अपने काम को आगे ले जाना होता है। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। आपने स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, बट आई डोंट नो व्हाई अब आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ लैक हो रहा है, तो इसीलिए आप मुझे कमेंट करके बता देना कि यार दिक्कत कहाँ आ रही है। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा देखो हेयर स्टाइल लगभग कंप्लीट ही है। अब इसकी बारी आएगी कि हमें इसको डेकोरेट कैसे करना है। तो अब हम डेकोरेट करते हैं, और डेकोरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डेकोरेट नहीं भी करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ मैं डेकोरेट करके दिखाऊंगी। आप इस हेयर स्टाइल में चाहो तो गजरा भी लगा सकते हो, इस हेयर स्टाइल में आप गुलाब की पंखुड़ी से भी इसको डेकोरेट कर सकते हो, बट मेरे पास अभी नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको ये आर्टिफिशियल इनसे दिखाती हूँ कि किस तरह से आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से हमने ये एक पिन लगा दी है फ्लावर वाली, और इसमें बीट्स वगैरह लगा देंगे वाइट वाले, जिससे कि हमारा जो हेयर स्टाइल है उसमें थोड़ी सी और जान आ जाएगी और वो काफ़ी यूनिक लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो काफ़ी ईजी हेयर स्टाइल है, काफ़ी सिंपल है। मुझे नहीं लगता कि इसको करने में आपको किसी भी टाइप की परेशानी होने वाली है। और इस तरह से आपको यहाँ पे बीट्स लगा देनी है, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। और अगर आप चाहें डेकोरेशन में इसमें और भी चीज़ें ले सकते हो, जैसे बिंदियाँ वगैरह आती हैं वाइट नग वाली, वो भी आप ले सकते हो, काफ़ी सही रहेगी हेयर स्टाइल को डेकोरेट करने में, वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है। और मैं तो इसी टाइप से यार आइडियाज़ देती रहती हूँ। अगर आपको और भी आइडियाज़ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो यार वीडियो को, ताकि वीडियो थोड़ा आगे जाए और जिन लोगों को हेयर स्टाइल वगैरह में दिक्कत होती है उनको पता चले कि हेयर स्टाइल ज़रूरी नहीं है कि हेयर स्टाइल आपके स्टफिंग वगैरह से ही बने, विदाउट स्टफिंग भी हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। तो ये वीडियो देख के आपको पता चल गया होगा, और ये वीडियो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और उन भाभियों के साथ जिनकी नंदे नहीं है बट उनको हेयर स्टाइल बहुत पसंद है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब दी चैनल। तो ये आज का है हमारा हेयर स्टाइल, कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ पे आज हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, तो वीडियो कैसी लगी वो तो बताना ही, साथ में फीडबैक भी देना कि हाँ और क्या आप चाहते हो, किस टाइप का इम्प्रूवमेंट चाहते हो। एंड सब्सक्राइब दी चैनल, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।